Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching First Year Intermediate Maths Lectures on Mathflix by Hashim Zia. Mera beta, hum log chapter number 13 inverse trigonometric functions ko last ki classes mein discuss kar rahe the. Abhi tak exercise 13.1 ko complete kar chuke hain jo ki inverse trigonometric functions ke main part ke upar depend kar rahi hoti hai. आज से या अब से अब हम लोग लेक्चर नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.1 में हम लोगों ने क्या काम करा, अगर जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं कि बेटा हम लोगों ने सिंपल तरीके से वहां पे इनवर्स के फंक्शंस को सॉल्व करना सीखा 13.1 के अंदर। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग क्या काम करेंगे उसको आप मेरी स्क्रीन के ऊपर या अपनी स्क्रीन के ऊपर पेज के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। जो पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी दैट विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर मेन काम हमारा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस से पाला पड़ने वाला है। अब जहन में पहली बात तो ये आती है कि सही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। मेरा बेटा कि आपको सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस की पहचान पता है? अब किस चीज को इक्वेशन कहते हो अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज इक्वेशन होती है? हो सकता है आप में से बहुत से अच्छे शागिर्द हो, बोले सर एक ऐसी चीज को हम इक्वेशन कहते हैं जिसके अंदर कोई अननोन आ रहा हो और कोई इक्वल टू का साइन हो। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसी चीज को इक्वेशन कहते हैं। तो मेरा बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसी चीज जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो और साथ में कोई इक्वल टू वगैरह का साइन, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन मैंने आपके लिए इक्वेशन लिख दी, साइन फाइव कह लो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू वन, या फिर टेंजेंट फाइव इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू फोर, या टू कॉस फाइव माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। ये मैंने डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स के अंदर इक्वेशन लिख दी, आप चाहो तो आप कोई और इक्वेशन ले लो। फॉर एग्जांपल वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी आप बना दो, कोई भी आप इक्वेशन ले लो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो तो क्या कहलाएगी? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। तो द पॉइंट इज हियर, जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे वो क्या है कि ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में से अगर हमें एंगल को फाइंड करना हो तो ये एंगल की जो फाइंड करने का काम होगा ना, ये पूरा का पूरा काम हम लोग एक्सरसाइज 13.2 में करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन से अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ ये फाई की वैल्यू क्या होगी, या यहाँ पे जो एंगल आ रहा है थीटा आ रहा है फाई आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इस वैल्यू को जो सॉल्व करने का काम करोगे, इस वैल्यू को जो फाइंड करने का काम करोगे, वो काम हम लोग एक्सरसाइज 13.2 में करेंगे। तो ये हमारे पास 13.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन बात आती है। क्या तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? आई होप तमाम के तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होगी। अब बेटा हम जरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने चलते हैं, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए, जो कि अगेन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं बट स्टिल बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी। मैंने आपके सामने दो पॉइंट्स लिखे, दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर साइन और कॉस कभी भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होगा तो मेरे बच्चों साइन और कॉस का पीरियोडिक फंक्शन जिनका पीरियड होता है वो क्या होता है? 2π का होता है। क्या कहा मैंने? कभी भी साइन और कॉस का आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उनका पीरियड क्या होता है भाई? 2π होता है। और जनरल फॉर्म के अंदर आप क्या लिख देते हो? 2nπ। क्या लिख देते हो? 2nπ। यहां पे जो n आ रहा होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा होता है। हियर n बिलोंग्स टू z, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स या सिंपल इंटीजर्स। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने आपको? अगर कभी टेंजेंट आ रहा होगा तो आपने अपने जहन में क्या बात रखनी है? टेंजेंट का पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है भाई? पाए का होता है। और जनरल फॉर्म के अंदर टेंजेंट का पीरियड क्या होता है? एन पाए। एंड हियर एन बिलोंग्स टू सिंपल इंटीजर्स, हियर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बेटा यहां तक की बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने इसको देख के रट्टे नहीं मारने बेटा, वैसे ही याद हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि साइन और कॉस का पीरियोडिक फंक्शन पीरियड क्या होता है? 2π, और टेंजेंट का क्या होगा? एन पाए। अब हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस पार्ट टू कम्प्लीट करा, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर। मगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ये एक्सरसाइज लिटरली मुश्किल है बेटा, ये एक्सरसाइज मुश्किल है अगर आप तरीके से इसको सॉल्व नहीं करोगे। दूसरी बात, मेरी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि आपको इस एक्सरसाइज आसान तरीके से कन्वे करूं, आसान तरीन तरीके से समझाऊं। बहुत से लोग आपको एक्सरसाइज प्रिंसिपल एंगल्स कॉम्प्लेक्स एंगल के ऊपर पढ़ा रहे होंगे, मैं आपको ऐसे कोई काम नहीं करवाने वाला।
हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते डिफरेंट ट्रिक्स सीखेंगे और डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप उन तमाम की तमाम ट्रिक्स को अपने पास नोट करते जाओगे और इजीली उनसे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। ये एक्सरसाइज मुश्किल जरूर है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज को आपके लिए आसान बना दूं। तो आइए बेटा चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है एक्सरसाइज 13.2 का। क्या कहता है? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू 1। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली एंगल्स क्यों फाइंड करना है। यहाँ पे जो थीटा आ रहा है हमें बेसिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारा मेन काम क्या है, जो यहाँ पे थीटा आ रहा है उसका सॉल्यूशन को फाइंड करना। अच्छा एक बात और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाने से पहले क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है बुक में आपको कुछ आंसर्स इस एक्सरसाइज के डिफरेंट मिल रहे हो। उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो इनवर्स के अंदर हो सकता है कोई बच्चा साइन के ऊपर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो, कोई बच्चा कॉस पे कर रहा हो, तो दोनों सूरतों के अंदर एंगल्स की वैल्यूज डिफरेंट आने के चांसेस होंगे। तो आपके दोनों आंसर ही करेक्ट तस्वुर किए जाएंगे, चाहे बुक का आ रहा हो या फिर अगर आपने भी सही तरीके से सॉल्व करा हो तो वो आंसर भी सही कंसिडर किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की जाने। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब जहन में बात आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, भाई जहन में बात आती है और भाई लॉजिकल बात है। मैंने क्या कहा, हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ एंगल निकालना है, दैट इज थीटा। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के कॉस थीटा को मैं दूसरी साइड पे सेंड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं पॉजिटिव के कॉस थीटा को दूसरी तरफ भेजूं तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है भाई बच्चों, आई होप आप बोलेंगे से बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहाँ पे अगर क्या ले लूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या ले लूँ भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम बेसिकली सिंप्लीफाई करवा के थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस का 2 फॉर्मूले का कॉस थीटा एज इट इज प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस 2 कॉस थीटा, वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। क्लियर है भाई यहां तक की बात तमाम बच्चों को, आई होप क्लियर होगी। मेरा बेटा साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या वो फॉर्मूला आप लोगों को पता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से क्या होगा भाई, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। मेरा बेटा प्लस के 1 से माइनस का 1 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से कैंसिल आउट, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से पॉजिटिव का 2 कॉस थीटा का कॉस थीटा एज इट इज, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज, 0 का 0 एज इट इज। क्या आपको इन दोनों फंक्शंस के अंदर अब कोई चीज कॉमन दिख रही है, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे बोले यस सर बिल्कुल कॉमन है। भाई क्या कॉमन है, यहाँ पे आ रहा है 2 कॉस थीटा और यहाँ पर आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या चीज कॉमन है दोनों के अंदर, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 कॉस थीटा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा और इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। भाई अभी हमारे पास क्या हो गया, ये दो फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे 2 कॉस थीटा भी एक फंक्शन है और 1 माइनस का कॉस थीटा भी एक फंक्शन है। तो कभी भी हम दो फैक्टर्स को कॉमन ले लेते हैं, स्टार्टिंग से बात सिखा रहा हूँ, क्या करेंगे भाई दोनों को बारी बारी 0 के ऊपर बराबर ले लेंगे और फिर सिंपल तरीके दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज को फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि 2 कॉस थीटा भी एक फंक्शन है और 1 माइनस का कॉस थीटा भी, इनमें से कॉस थीटा एक फंक्शन है और दोनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पे सपोज कर लेंगे। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस का cos थीटा इक्वल टू 0। अब अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरा बेटा 2 यहां पे cos थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके जब 0 से डिवाइड होगा तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है,
खत्म हो जाती है, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस का cos थीटा इक्वल टू जीरो है, अगर मैं माइनस के cos थीटा को दूसरी तरफ सेंड कर दूँ वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू cos थीटा, बात एक ही होती है। अब अगर मुझे यहाँ से मेरा बच्चा थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos जो यहाँ पे थीटा के साथ पॉजिटिव का फंक्शन है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स का फंक्शन। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 0 के ऊपर एंगल पे आ रही होगी। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे थीटा cos के साथ क्या खुशबाश है, पॉजिटिव है, इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो वहां पे आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1। अच्छा भाई, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 0 क्या होती है, किसी भी बच्चे से पूछूं आई गेस तमाम के तमाम बच्चों को पता होगा क्या होती है, 90 डिग्री। मगर हम इस एक्सरसाइज के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर कभी भी एंगल को डिग्री के फॉर्म में नहीं रखते, बल्कि रेडियन के फॉर्म में रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, π/2। क्या हो जाएगी, π/2। और जब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 निकालूंगा तो उसका आंसर डिग्री के फॉर्म में भी 0 ही आएगा और रेडियन के फॉर्म में भी 0 ही आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मेरे पास आपको यहाँ पे बताने के लिए पहला पॉइंट आता है, मैथफ्लिक्स पॉइंट नंबर 1। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में cos थीटा हो या आप cos थीटा के जरिए एंगल्स को फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट एंगल जो अप्लाई करा या थीटा की वैल्यू फाइंड करने के, हमने cos इनवर्स का एंगल लिया ना बेटा, तो यानी कि cos के एंगल्स आए हमारे पास ये। कभी भी cos आपके पास आ रहा हो तो उसके जो एंगल्स आएंगे उसके अंदर आप प्लस माइनस लिखा करोगे, क्या लिखा करोगे, प्लस माइनस। जीरो के साथ ऑल्दो मैं प्लस माइनस ना लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो प्लस में भी जरूर रहेगा, माइनस में भी जरूर रहेगा, मगर जो भी आपके एंगल्स आ रहे होंगे अगर cos के ऊपर सॉल्यूशन कर रहे हो तो उस एंगल के साथ लिखा करोगे, प्लस और माइनस। देखो मैं इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे टीचर्स इसको पता नहीं जनरल सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से माइनस करवाना, ये करवाना, उस पे पढ़ाते हैं, नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। लास्ट के अंदर जब एंगल निकाला, अगर वो एंगल कॉस के रिस्पेक्ट से निकल रहा है, कॉस की वजह से निकल रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें क्या आ जाएगा, हमेशा प्लस माइनस। ये पहला पॉइंट मैंने दे दिया कॉस के लिए, कि कॉस की रिस्पेक्ट से अगर सॉल्यूशन कर रहे हो तो एंगल जो आएगा उसके साथ क्या लिखा जाएगा, प्लस और माइनस। अब आएंगे अपने मेन और लास्ट सॉल्यूशन के ऊपर, इसको जनरल सॉल्यूशन भी कह रहे हो, तो इसको लिखने का फायदा क्या होता है भाई, ये आपका लास्ट सॉल्यूशन है, और ये चीज, ये सॉल्यूशन किससे लिखेंगे, जो बात मैंने आपको यहां पे पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस पॉइंट का फायदा कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आंसर लिखने के अंदर। मेरे बच्चों cos का पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2π। हमारे पास cos का पीरियड क्या होता है, 2π। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस π/2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, इसको कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट की वैल्यू क्या आ रही होगी, एंगल क्या आ रहा है मेरे पास, π/2, क्या आ रहा है, प्लस माइनस π/2। और मैंने अभी आपको बात बताई cos का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है भाई, cos का पीरियोडिक फंक्शन होता है 2π। क्या होता है भाई, 2π। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो खाली बेटा, प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस π/2 प्लस का 2nπ। क्यों 2nπ आया, क्योंकि cos का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, 2π, और जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये बात याद रखनी है। और दूसरा एंगल क्या आ रहा है मेरे पास, 0 डिग्री का या 0 रेडियन के ऊपर आ रहा है, तो यहां पे यूनियन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूनियन, क्योंकि पहले वाले एंगल के लिए पहला सेट, दूसरे वाले एंगल के लिए दूसरा सेट, यूनियन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 0 0, क्योंकि एंगल क्या है, 0, प्लस का साइन, फिर आगे क्या लिख दूंगा, यहां पर भी पीरियोडिक फंक्शन किसका, कॉस का। क्या पीरियोडिक फंक्शन है कॉस का, मैंने अभी आपको बताया, 2π। जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2nπ। और लास्ट के अंदर आपने ये एक पॉइंट लाजमी लिखना है, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसके बेटा नंबर कट जाएंगे नहीं लिखोगे तो। क्लियर है यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मसला हो या उन्हें इशू आ रहा हो कि सर ये कैसे सॉल्व हुआ, तो मेरा बेटा बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसको किसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड पे नहीं पढ़ाया, सिंपल तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा, वो सॉल्व करना चैप्टर नंबर 9 में सीख चुके हैं, 10 में सीख चुके हैं, कि भाई यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ सेट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा में उसका फॉर्मूला यूज कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के अंदर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया। इस तरीके से सिंपल सिंप्लीफिकेशन करी कि कॉस को इधर से हटाया, साइन को इधर रिमूव करा, और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
सिंप्लीफाइड कर दिया। उसके बाद क्या काम करा, यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को बारी बारी जीरो के ऊपर लिया, यहाँ से एक एंगल की वैल्यू आ गई, यहाँ से एक एंगल की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, ये बात मिलियन डॉलर्स की है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया, ये कभी भी कॉस थीटा का अगर आपको एंगल निकलेगा तो उसके एंगल के आंसर में हमेशा प्लस माइनस आता है। क्या आता है एंगल के आंसर में? प्लस माइनस। किसी से माइनस करने की कोई फनकारी करने की जरूरत नहीं है। कॉस का अगर आंसर आ रहा है कॉस के रिस्पेक्ट से तो क्या होता है? प्लस माइनस। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, इस फैक्टर को सॉल्व करा एक एंगल आ गया, इस फैक्टर को सॉल्व करा एक एंगल आ गया, और लास्ट में फिर सॉल्यूशन सेट बनाया। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, दोबारा सुन लीजिए। जो पहला आंसर आया क्या आ रहा है? प्लस माइनस का पाई बाय 2। एंगल के आंसर ऑल्दो पाई बाय 2 आया था, मगर मैंने क्या ट्रिक बताई, क्या बात कही, कॉस का एंगल कभी आएगा कॉस की वजह से, तो क्या कैसे लिखोगे उस एंगल के साथ? प्लस माइनस लिख दोगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, पहले एंगल के लिए पहला सेट कैसे लिखोगे? प्लस माइनस का पाई बाय 2। और फिर ये प्लस का 2 एन पाई क्या है? ये कॉस का पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका एंगल आया उसी का पीरियोडिक फंक्शन आएगा। तो कॉस का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? 2 पाई। जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2 एन पाई। यूनियन करके क्यों लिखा, क्योंकि एक और एंगल भी आ रहा है कॉस का। क्या एंगल आ रहा है कॉस का? एक और जीरो। तो जो अगला एंगल होगा यूनियन करके आएगा। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल एक और एंगल आ रहा होता फिर यूनियन करके एक और सेट बनता मेरे पास। तो क्या आ गया? यूनियन जीरो, एंगल जीरो आ रहा है प्लस का साइन, और फिर जो पीरियोडिक फंक्शन होता है कॉस का उसको लिखा, और लास्ट में क्या बात लिख दी, हियर एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या सिंपल इंटीजर लिखने, हियर एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स। क्लियर है भाई? इस पॉइंट को लिखना लाजमी नहीं, उसके मार्क्स कट जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की जाने, और उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा भाई। अच्छा तो बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2? आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मेरे लेक्चर का एक्सरसाइज 13.2 के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। आपकी बुक का जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा प्लस का 1। जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 4 करवाने की रीजन, मुझसे अगर पहले से पढ़ता हुए आ रहे हो तो बेटा बहुत अच्छे तरीके से बात पता होगी कि पहले मैं हमेशा वो क्वेश्चंस करवाता हूँ जो एक जैसे होते हैं या एक तरह के होते हैं या फिर जिनसे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता हूं मैं। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 4 करवाने की रीजन, ये भी cos का क्वेश्चन आ रहा है, तो cos का क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी cos का क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगी बात। क्या क्वेश्चन कहता है? cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सिंपल तरीके से आपके पास सिंपल ऊपर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सॉल्यूशन या सिंप्लीफाई एंड सो ऑन। आपको फाइंड क्या करना है, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन आप पहचान जाओगे, उसके बाद आपको सिंपल पता चल जाएगा भाई आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है किस चीज का, थीटा का, किस चीज का निकालना है थीटा का। तो पहला स्टेप तो हमेशा हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देने का। उतार दिया भाई, cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं सर? भाई सिंपल आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की अप्रोच अप्लाई करनी। तो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो भाई सिंपल तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या फॉर्मूला होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बाहर प्लस का 1 और इक्वल टू 0 का 0 एज इट इज। क्या काम करा सर यहाँ पे आपने मेरा बेटा? सिंपल तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्या फॉर्मूला होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को? आई होप तमाम के तमाम बच्चों को क्लियर होगी। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये माइनस का 1 जो है प्लस के 1 को क्या कर देगा बेटा? कैंसिल आउट कर देगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है ब्रैकेट के अंदर, बाहर क्या है? प्लस का 1 इक्वल टू 0। माइनस के 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, cos थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। पहली दो टर्म्स में क्या कोई चीज़ कॉमन आ सकती है हमारे पास? अब आप तमाम बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं अभी हम? मेरा बेटा हम सिंपल तरीके से हमने माइनस के 1 और प्लस के 1 को कैंसिल आउट करवा दिया। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया? cos थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल आ सकती है सर। क्या कॉमन आ सकता है बेटा? cos थीटा कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस का 2 cos थीटा। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस का 2 cos थीटा। क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से दोनों को बारी बारी, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज कर लेंगे। सर क्या मतलब? मेरा बेटा दो फैक्टर्स बन गए तो दोनों को बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज कर लेंगे, यानी कि एक फंक्शन आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0 और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी? 1 प्लस का 2 cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो पॉजिटिव का cos को इक्वल टू के दूसरे सेंड कर दूंगा, वहां पे क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 0।
यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 + 2 cos θ = 0। मेरा बच्चा पॉजिटिव के 1 को वहां सेंड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 cos θ = −1। ये पॉजिटिव का 2 यहाँ पे cos θ से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 से डिवाइड। तो cos θ की वैल्यू क्या आ जाएगी, −1/2। अब ये cos जो है पॉजिटिव का थीटा के साथ इक्वल टू के दूसरे सेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos inverse −1/2। इस तरीके से हमारे पास दो थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू cos inverse 0 के ऊपर क्या आ रही होगी, हमारे पास cos inverse 0 की वैल्यू, आई गेस तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को तो पता होगी कि यहाँ से थीटा की या एंगल की पहली वैल्यू क्या आ रही होगी, π/2। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया कि थीटा के अंदर अगर थीटा की वैल्यू मैं cos की वजह से फाइंड करता हूँ या cos के एंगल्स की जो वैल्यू आ रही होगी उसके अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को लगा दिया करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। और cos इनवर्स नेगेटिव का हाफ क्या होता है मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ से जो एंगल थीटा की वैल्यू आ रही होगी, आई गेस ये आनी चाहिए आपके पास 2π/3। कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा क्या आ रही होगी, 2π/3। कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे तो क्या आ रही होगी बेटा, सिंपल तरीके से 2π/3। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स माइनस के हाफ के ऊपर क्या आ जाएगी, 2π/3। अच्छा अल्लाह के बंदो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना, कॉस इनवर्स जब हाफ निकालोगे, नेगेटिव हाफ निकालोगे वो डिग्री में देगा, डिग्री से रेडियन में खुद कन्वर्ट करवाना है, सिखा चुका हूँ उसको मैं। तो कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2π/3। अगेन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, अगर ये एंगल कॉस की वजह से आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एंगल के अंदर प्लस माइनस का साइन लगाया जाएगा। क्लियर है तमाम बच्चों को ये बात, क्या काम कर रहा है अभी तक, सिंपल सा काम है, एक बार जल्दी से अगर रिवाइज करवा दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। पहला काम क्वेश्चन का एडिट एक बार उतारा, दूसरा काम सिंप्लीफाई करना है, मुझे इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब थीटा के लिए जब सॉल्व करना है तो भाई कुछ भी करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो कॉस टू थीटा मुझे साफ दिख रहा था तो मैंने वहां पे क्या करा, सिंपल तरीके से फॉर्मुला ओपन कर दिया। क्या फॉर्मुला होगा, कॉस टू थीटा का 2 cos²θ − 1, और ब्रैकेट को ओपन करा तो कार्टन पीटी हो गई, कॉन्स्टेंट टर्म जो कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट हो गई, और सिंपल तरीके से मेरे पास ये दो टर्म्स बच गई। तो इन दोनों में से मैंने एक टर्म को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में एक टर्म सेम आ रही थी कॉस थीटा की। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स बना दिए, दोनों को बारी बारी जीरो के ऊपर इक्वेट करवा दिया। पहले फैक्टर से पहला एंगल निकालेंगे, दूसरे फैक्टर से दूसरा एंगल निकालेंगे। पहले फैक्टर से एंगल जो आ रहा होगा क्योंकि वो कॉस की रिस्पेक्ट से आएगा तो क्या आ जाएगा वहां पे, प्लस माइनस, ये कांसेप्ट मैंने अभी आपको दिया। दूसरा एंगल से जो आंसर आएगा वो भी ऑब्वियसली कॉस की वजह से आ रहा है तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपने दोनों एंगल्स निकाल लिए। अब लास्ट के काम के ऊपर जाएंगे, लास्ट का काम क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन सेट का, सॉल्यूशन सेट को बनाने के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, पहला एंगल क्या आ रहा है, प्लस माइनस का π/2, पहला एंगल क्या आ रहा है, प्लस माइनस का π/2। और मैंने क्या बताया, पहले सिंपल तरीके से अपने एंगल को लिखो और फिर पीरियोडिक फंक्शन को। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, पहले जो एंगल आ रहा है उसको लिखेंगे और फिर पीरियोडिक फंक्शन को। तो एंगल क्या आ रहा है, पहला मेरा पहला सेट का प्लस π/2 प्लस का, और कॉस का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, 2nπ, क्या होता है बेटा, 2nπ। पहला सेट बन गया, चूंकि यहाँ पे एक और एंगल भी निकल रहा है तो उसके लिए भी सेट बनाया जाएगा। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, यूनियन को लेते हैं, जो भाई दो एंगल्स आ रहे हैं तो दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों को कॉमन डाल के लिखेंगे, वाले यूनियन करके लिख रहे होते हैं। यूनियन इसका एंगल क्या आ रहा है मेरे पास, इस एंगल का आंसर क्या है मेरे पास, प्लस माइनस का 2π/3। क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 2π/3। और अगेन ये जो एंगल आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, कॉस की वजह से, तो अगेन इसका पीरियोडिक फंक्शन भी आएगा। क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन मेरा बच्चा, प्लस का 2nπ। और इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन सेट बन गया। मगर लास्ट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ पे आपने पीरियोडिक फंक्शन लिखा है 2nπ की फॉर्म में, तो आप n को डिफाइन करोगे, हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर खाली ये तीन लफ्ज नहीं लिखे तो बेटा एक से दो नंबर कट जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्या काम करा, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करा बेटा। क्वेश्चन को एडिट एक बार उतारा, क्वेश्चन के अंदर जहां जहां हमारे पास क्या आ रहा था, कॉस थीटा प्लस का 2 cos²θ, वहां से इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके एंगल्स की वैल्यू निकाली, और जब एक बार एंगल की वैल्यू आ गई तो पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया, मैथफ्लिक्स कॉन्सेप्ट क्या दिया, कॉस की वजह से जो भी एंगल आएगा उसके आंसर में हमेशा प्लस माइनस लिखा जाता है। तो सिंपल तरीके सॉल्यूशन सेट के ऊपर गए, अपने एंगल को तहरीर करा प्लस के साइन के बाद, सिंपल तरीके से क्या काम करा, पीरियोडिक फंक्शन लिखा जो भी कॉस का होता है, फिर दूसरे एंगल को लिखा उसको पीरियोडिक फंक्शन लिखा, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे लेक्चर का सॉल्व हो जाता है। अब बेटा हम अपने लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लेक्चर वीडियो का, और आपकी बुक के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा होगा। अगेन चूंकि कॉस का क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि कॉस वालों को एक साथ ट्रीट कर दिया जाए ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो और आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मेरा बेटा जहन में बात आती है इस क्वेश्चन को देखने के बाद
कि सर यहाँ पे तो 2 की पावर में cos थीटा आ रहा है, तो सर यहाँ पे एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? सर ये तो बहुत टफ बन जाएगा सर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हो सकता है तमाम बच्चों के जहन में बात आ रही हो, और बिल्कुल लिटरली यही बात है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 cos थीटा की पावर में cos थीटा है और इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है 1। अब जहन में बात आती है सर किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। मेरा बेटा क्या मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया? कभी भी क्वेश्चन को देखो तो पहले परेशान नहीं होते होते, बल्कि क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारते होते हैं। कभी भी क्वेश्चन आपकी नजरों में आए तो एक बार क्वेश्चन को एज इट इज उतार लें। अब दूसरा काम जो हमें करना है वो ये एनालाइज करना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। भाई 2 की पावर में cos थीटा आ रहा है, पावर में cos थीटा आने का मतलब क्या है कि अगर मुझे पावर वाली टर्म को सॉल्व करना है तो उसको ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर किसी तरीके से कोई ऐसी जुगाड़ मारनी पड़ेगी कुछ सॉल्व होने की कोशिश हो। तो अगर आपको याद हो हमने इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के अंदर जीपी की सॉल्यूशन में जरूर करे थे। सर क्या मतलब सर समझ में नहीं आया। मेरा बेटा अगर कभी भी पावर्स पावर्स हमें खेलना होता है, हम क्या करते हैं इक्वल टू के आमने सामने वाली चीजों की बेसिस को सेम कर देते हैं ताकि पावर्स आपस में इक्वेट हो सके। तो बेटा यहाँ पे जहन में आता है कि सर यहाँ पे तो इक्वल टू के दूसरी तरफ 1 आ रहा है, तो उस 1 को किस तरीके से 2 में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि अगर हम लोग इस cos थीटा को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम करनी पड़ेंगी ताकि पावर्स क्या हो सके इक्वेट। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेटा। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर कैसे करें यहाँ पर, तो मेरा बेटा मैं साफ तौर पर देख सकता हूँ कि इक्वल टू के इस तरफ जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है 1, और मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होता है किसी भी टर्म की पावर में 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, कि आपको एतराज कि हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन 2 cos थीटा इक्वल टू के बाद 1। इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अब जरा गौर से देखें इक्वल टू के आमने सामने बेसिस क्या हो गई सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वेट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अब कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू आई गेस हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, तमाम स्टूडेंट्स को तो पता चल गई होगी क्या होती है भाई π/2। और ये बात भी आपको क्लियर कर दी, जब आपने एंगल फाइंड कर लिया तो अगर तो कॉस होगा वहां पे तो कॉस की खसूसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कॉस की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, कॉस का एंगल कभी भी आएगा तो उसके साथ क्या लगा दिया जाएगा प्लस माइनस का साइन। ये बात अपने जहन में रखिए। अगर मैं जानबूझ के पहले सिर्फ कॉस वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में साइन वाले करवाऊंगा या टेंजेंट वाले करवाऊंगा एक जैसे, ताकि आपको जहन में हो कि अगर हमने यहां पे आज कॉस की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो साइन के ऊपर क्या काम करते हैं अगर साइन का एंगल आने के बाद। जाहिर सी बात है अगर कॉस की पढ़ी है तो साइन की भी कोई ना कोई होगी, टेंजेंट की भी कुछ ना कुछ होगी, मगर अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जहन में आपने क्या बात रखनी है, जब कभी एंगल आ जाएगा तो एंगल के निकालने के बाद उस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहां पे क्या प्रॉपर्टी आई, क्योंकि कॉस का एंगल आ रहा है तो कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल तरीके से एंगल के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। और दूसरे नंबर पे काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं, यहां पे एक ही एंगल आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा प्लस माइनस का π/2, प्लस के साइन के बाद उसका पीरियोडिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या हमारा कॉस, तो उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, सिंपल तरीके से 2n π, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑल इंटीजर्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आज के लेक्चर का एंड होता है। तो मेरा बेटा यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करूंगा। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा। क्या पढ़ा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, कि भाई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इनके आंसर्स को फाइंड करेंगे, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से कॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस क्लियर होंगे और उन्हें समझ में आए होंगे। तो मेरा बच्चा यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो को एंड करते हैं। जजाक अल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।